वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में, आपके बच्चों में, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो आज हम बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट रेसिपी बनाने जा रही हैं। ये है चिकन स्ट्रिप्स फ्राई। ये देखिए, मैंने चिकन की इस तरह की स्ट्रिप्स ली हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, वेरी नाइस, बहुत मज़े की। कुछ नहीं किया इसको मैंने, वॉश कर लिया। और अब इसके अंदर सिंपल जो है हम लोग मैरिनेशन करेंगे, और जो मैरिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक ऐड करना है। अब इसके अंदर मैं काली मिर्च ऐड करूंगी। ये भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक, कुछ लोग बहुत तीखा खाते हैं, कुछ मीडियम खाते हैं। अब इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, अब इसके अंदर मैं विनीगर ऐड करूंगी, तकरीबन एक खाने का चम्मच भर के इसके अंदर हम विनीगर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह। ब्लैक डार्क सोया सॉस जो है वो आप इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चाइनीज सॉल्ट। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अदरक का पाउडर। मैंने क्योंकि 2 kg चिकन स्ट्रिप्स ली हैं, तो इसलिए मैं उसके मुताबिक ही डाल रही हूँ। तो आप अगर कम बनाए तो आप कम भी आप बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 kg हैं। इसमें हम ऐड करूंगी लहसुन पाउडर। इसके अंदर पाउडर ही जाएगा चिकन स्ट्रिप में, इसके अंदर हम फ्रेश नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर फ्रेश डालना हो तो उसका आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी चिकन पाउडर। बिस्मिल्लाह। चिकन पाउडर भी आपने इसी तरह 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी, इसके अंदर मैं मस्टर्ड डाल रही हूँ। मस्टर्ड जो है ये लिक्विड में, ये देख सकते हैं आप, पेस्ट की सूरत में। इसके अंदर 1 चम्मच मैं भर के मस्टर्ड का ऐड करूंगी। आप मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। इस सारे मैरिनेशन को हमने मिक्स करना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच दूध का इसके अंदर जाएगा, इससे जो चिकन है वो जूसी बनेगा इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर ले, और मिक्स करके इसको हम लोग फ्रिज में रखेंगे। तकरीबन इसको जो है हम लोग 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें, इस तरीके से सारा हमारा मैरिनेशन, इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूंगी, फिर हम इसको फ्राई करने के लिए इसको निकालेंगे। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इन चिकन स्ट्रिप्स को मैरिनेशन हुए हुए तकरीबन ये 1 1.5 घंटा हो चुका है। मैं इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
जितना कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे उतना ही मैदा इसके अंदर जाएगा। मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, इसके अंदर मैं चावलों का आटा ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और ये जो बैटर है जो मैं अभी ये रेडी कर रही हूँ मिक्सचर, ये तकरीबन मैं इसको 1 से 2 बार रेडी करूँगी। अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 3 ही चम्मच मैदे के। बिस्मिल्लाह, इसको बड़े अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें हम बहुत अच्छे तरीके से। और इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि जो हमारा क्रंच हम इसका होगा वो सॉल्टी हो। इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, काली मिर्च। इसके अंदर मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, इस रेसिपी को आप इसी तरह ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हमारा खुश्क जो ये है मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। मैं दोबारा से बता दूँ, इसके अंदर चावल का आटा है, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है, इसके अंदर मैदा है, नमक है, काली मिर्च है, और इसके अंदर क्या है, रेड चिली पाउडर। इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है जी फ्रेंड्स। तो ये देखें, इसको एक बार से फिर हम अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। मैंने अपने पास ठंडा पानी और एक प्लेट मैंने अपने पास रख ली है। सबसे पहले हम ये करेंगे, जो मिक्सर हमने रेडी किया है, हम चिकन का एक एक पीस निकालेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, और बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे हाथों से दबा के इसकी जो कोटिंग है करनी है। फिर ये जो पानी लिया है इसके अंदर इसको डिप करेंगे। बिस्मिल्लाह, डिप करने के बाद हम इसको निकालेंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, अब दोबारा से इसको हम मैरिनेशन में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से अगेन हमने दबा दबा के ऐसे, ये आप देख सकते हैं, ऐसे ये हम करेंगे और उसके बाद हम इसको झाड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का क्रंच इसके ऊपर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसको अब मैं प्लेट में रखूँगी। इसी तरीके से हम सब जो है ना, हम जितने भी हमारे पास चिकन के पीस हैं हम उसको इसी तरीके से करेंगे। पहले अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोटिंग करेंगे और आपने दबा दबा के इसके ऊपर कोटिंग करनी है ऐसे। ये देखें इस तरीके से, इसको फिर हमने पानी में डालना है। बिस्मिल्लाह, देख रहे हैं आप, पानी में डिप करने के बाद इसको अगेन बाहर निकालेंगे और इसको इस मिक्सचर में दोबारा डालेंगे। ये देखें, और फिर इसको इसी तरीके से हम इसके ऊपर मैरिनेशन करेंगे ये, और इसको हम झाड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रंच इस पर बनेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपने सारे चिकन को आपने लगा के और रख लेना है। ये देखें, इसको ऐसे रखते हैं जी फ्रेंड्स। तो एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है,
और उसको हमने गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। और चिकन जिसको हमने रेडी करके रखा हुआ है इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़ेदार किस्म की हमारी ये क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स फ्राइज़ हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको हाफ कुक करके फ्राई भी कर सकते हैं, बाद में आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। ये देखें बहुत जूसी होंगे इंशाल्लाह। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी कुक हो रही हैं। ये देखें इसका हम ऐसे कर चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह क्रंची एंड जूसी चिकन स्ट्रिप्स इंशाल्लाह ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगी। और बच्चों के लिए बना के रखे हैं, बच्चे सुबह लंच में जो है ना वो लेते जाते हैं स्कूल, स्कूल लंच, पैक लंच। इसी तरीके से हमने सारे ट्राई कर लेना है। कितनी ये देखें, ये देख सकते हैं आप, बड़ा मज़ेदार किस्म का क्रंच देखें आपके सामने है। फ्रेंड्स मेरी इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और साथ में फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं आप, जी फ्रेंड्स तो बहुत मज़ेदार किस्म के क्रंची क्रंची से हमारे चिकन स्ट्रिप्स तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस पर क्रंच आ चुका है। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।